क्या बोलता है अंदर तक गया होगा? मुझे नहीं लगता है, मुझे लग रहा सीधा गया हुआ, चुके था खिंचवाओ पता चल जाएगा। आपके गोप्रो में पानी जाए हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। गोप्रो कंपनी दे रही है कि गोप्रो में पानी नहीं जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइकर जस्टिस सर। और मेरे चेहरे की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं हम लोग जा रहे हैं फिर से एक राइड पर हमारे व्हाइट बुल को लेकर। बाइक पूरी तरह से रेडी है, जो भी लगेज था वो टॉप बॉक्स के अंदर डाल दिया है क्योंकि ज़्यादा लगेज लेके जा नहीं रहे हैं, एक या दो दिन की राइड है बस। बाकी अपने ज़्यादा जो गैजेट्स हैं वो टैंक के बैग में आ गए हैं, तो बस अब देरी है जैकेट डालने की, राइडिंग पैंट पहनने की और हेलमेट पहनने की। आज की राइड में चार पांच भाई जा रहे हैं अपने साथ, दो भाई इंदौर के हैं, एक हमारा अंजड़ से हुकुम, और एक भाई, एक या दो भाई शायद बड़वानी के हैं, मतलब वो एक ही बाइक पर दो भाई होने वाले हैं। जो भी होने वाला है वीडियो में आपको पता लगने वाला है, और वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मानसून राइड है हमारी NMC की, हमारे निमाड़ मोटरसाइकिल क्लब की। तो बस मिलते हैं एक सेकेंड में बाइक पर। तो फाइनली दोस्तों अंजड़ से निकल चुके हैं और कुल 6 राइडर, 3 हम बड़वानी से आए और 3 अंजड़ से, हुकुम भाई के दो और भाई, मुझे भी इनकी जानकारी नहीं थी वो चल रहे हैं। सुबह सुबह शायद प्लान बना होगा उनका। तो अब 6 लोग हम लोग जा रहे हैं, 2 लोग वहाँ हमारा वेट कर रहे हैं, टोटल 8 लोगों की टीम हो गई है, मज़ा आने वाला है। तो वो रहा दोस्तों सामने नेशनल हाईवे नंबर 3 AB रोड, आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे, और हमेशा जो आप देखते हैं वो ठिकरी है जहाँ से हम लोग इंदौर की तरफ जाते हैं, अभी हम लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं। अभी हुकुम भाई रुक गया है, उन भाइयों के लिए जो पीछे रह गए हैं वो उनको लेकर आएगा, और हम लोग पहुंच रहे हैं मिनेश भाई के पास जो कि अभी हमसे हैं 8-5 मिनट की दूरी पर। तो चलो चलते हैं मिनेश भाई के पास, और यहाँ हैं मिनेश भाई, मैंने बाइक देख ली उनकी। बहुत नाराज होने वाला है भाई, सॉरी 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 भाई लोग। जैसे पुष्पराज भाई, मिनेश भाई, वाह वेरी गुड, ये अच्छा है। एक बाइक अपाचे निकल चुकी है क्योंकि सबसे धीमी हमारे पास वही है, और अपने डोमिनार NS 200 350 मिट्योर भाई की, और मिनेश भाई की डोमिनार 400, और हमारे हुकुम भाई का चिंटू, ये सारी बाइक्स हैं आज। और ये देखिए बरसात से बचने का जुगाड़, बरसात से बचने का जुगाड़ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मैं भाइयों को, ये बंजी कॉर्ड के पहले कर लेना था तो उड़ती नहीं है, तो अभी बंजी कॉर्ड निकाल के कर लो। चलिए दोस्तों मिलते हैं बाइक पर। ओके दोस्तों लेट्स गो। हाँ तो फाइनली दोस्तों टीम पूरी हो चुकी है और हम हो चुके हैं रवाना, और आने वाला है हमें मज़ा क्योंकि हाईवे है और हम हैं, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सड़क पर हेलीकॉप्टर, मैं भी काफ़ी बड़ा हेलीकॉप्टर है, ये पूरी तरह से कवर किया हुआ है, और अच्छा देखा हर किसी के दिन आते हैं, हेलीकॉप्टर को पीछे कर दिया अपन ने। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में हम लोग बाहर हो जाएंगे MP से, अभी घाट सेक्शन आएगा, बिजासनी माता मंदिर बहुत फेमस है इस इलाके में, वहाँ बिजासन का मंदिर, वो MP की बॉर्डर है, वहाँ से हम लोग महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे। अभी थोड़ा धीरे हुए हैं, कुछ राइडर पीछे रह गए, तो ठीक है लीजिए नज़ारे और करिए वीडियो को एंजॉय, और हाँ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब बाद में कर लेना, भले को लाइक कर लेना, आपके लाइक से क्या होता है आपका प्यार मिल जाता है और अच्छा फील होता है। बस कुछ किलोमीटर बाद दोस्तों हम लोग MP से हो जाएंगे बाहर और एंटर होंगे महाराष्ट्र में।
धूले 82, नासिक 237 और शिरडी 200 किलोमीटर है। हाँ यार, शिरडी का भी राइड करेंगे दोस्तों हम लोग। देखो बाबा कब बुलाते हैं, कब हम जाते हैं। अभी तो हम लोग महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं। मैं भी शायद आधिकारिक रूप से अभी नहीं हुआ, बॉर्डर अभी आएगी। तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपका स्वागत है। और यार बैंक ब्लास्ट अचानक बहुत बढ़ गया है, मतलब हवा जो है वो सामने से हमारी और चल रही है, चौबीना होने के बावजूद भी मतलब इतनी हवा है कि हिला रही है इस बाइक को। साथ में सोपे ही चल रहे हैं ना हम। आप कितनी देर चलते हैं? अभी बस आगे रुके हैं 30 सेकंड। वो बहुत आगे निकल गए, जल्दी चलो जल्दी चलो। 30 सेकंड होएंगे बस। तो दोस्तों धुलिया के आसपास है कहीं पर हम लोग, और एक वाटर ब्रेक लिया है, मतलब पानी पीने के लिए रुके हैं। मुझे लग रही थी ज़्यादा प्यास, और हुकुम भाई पीछे रह गए थे। चित तो धीरे चल रहा है क्या? नहीं, मैं धीरे नहीं चल रहा था, मैं क्या इन लोगों के लिए रुक गया था, साथ में इनको ले चलूँ ऐसा, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तो बस एक 2 मिनट का ब्रेक लिया है, पानी वानी पियेंगे और फिर से गुंज करेंगे यहाँ से। हाँ विनेश भाई, मज़ा आ रहा है? अरे मज़ा आ रहा है, आप बताओ। हाँ आनंद मंगल भाई से पहली बार ही मिले अपन। बढ़िया चल रही बाइक, अब तो सुपर मीटर पे क्रिश कर लो यार। अरे अभी तो नहीं है ये। अच्छा अभी तो भी नहीं हुआ, अभी तो इसके मजे लेना है क्या? नेक्स्ट मंथ बर्थडे है इसके, बर्थडे के साथ इसका बर्थडे आएगा साथ। हाँ सेम डे लिया था, 14 तारीख को। तो बताइए अभी से आपको और इसको दोनों को। तो अभी हम लोगों ने जहाँ ब्रेक लिया था वहाँ पे देखा कि हुकुम भाई की बाइक के पिछले टायर में कील घुसा हुआ है। मतलब अभी हवा निकली तो नहीं है पर कील घुसा हुआ है। हमारे पास पंचर किट, एयर पंप सब कुछ है, पर जरूरत क्या है इतना परेशान होने की? तो सारा लगेज खोले, उसमें से फिर किट निकाले और पंचर बनाए, आधा घंटा ख़राब कर लेंगे, क्या फ़ायदा? तो पंचर दुकान पर रुक जाते हैं, वो 10 सेकंड में पंचर बना के हम लोगों को फ्री कर देगा। ऐसे भी हवा तो अभी निकल ही नहीं रही है, कील फंसी हुई है टायर में। तो देखते हैं आगे कहीं रुकेंगे, और एक और टोल जहाँ पर हमें नहीं देना है टोल। मुझे बड़ी खुशी होती दोस्तों बाइक पर आता हूँ, बाइक पर ट्रैवल करता हूँ तो, पर देश में इक्का दुक्का जगहों पे हमारा टोल लगता है और ज़्यादा जबरा लगता है यार। बन जाएगा। वन मोर ब्रेक, बहुत लंबी राइड नहीं है इसलिए चलता है ब्रेक लेना। मैं उठाता हूँ तो घुमा, क्या बोलता है ये अंदर तक गया होगा? नहीं लगता है, मुझे लग रहा सीधा गया हुआ, चुके तक खिंचवाओ पता चल जाएगा, हवा भी नहीं निकल रही ना। भैया इसको पहले चुगे से खींच के देख लो, मेरे ख्याल से अंदर तक नहीं गया ये, अभी तक हवा आ नहीं रही है ना। देखो तुम बताइए भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पैसे बच गए हैं। भैया कुछ देना मालिक? चलिए थैंक यू। नाउ वी आर इन धुले, मतलब धुलिया आ गया है यहाँ से, ये नांदेड़ का रास्ता है। मौसम एक बार फिर बेईमान होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। हो सकता है हमें हमारा माइक अडैप्टर निकालना पड़े थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं, अभी नहीं निकाल रहा मैं। अरे यार ऑटो वाले भैया, तो बिछड़े हुए सब आकर यहाँ पर मिल गए हैं। मतलब मैं और हुकुम भाई रुके थे, जब वो पंचर चेक करवाने से सब आगे निकल गए थे, तो अब सब मिल गए हैं। अच्छा टेप लगा दिया आपने नेपाल में? हमने नेपाल को भी मिठा दिया। अब नेपाल वाले भाई नाराज हो गए तो हमारे? नहीं होंगे, क्योंकि हमारी नेपाल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। फिर आएंगे क्यों? फिर जाएंगे, फिर जाएंगे नेपाल, फिर उसको हम फिर से निकाल देंगे, ठीक है? ओके। तो दोस्तों दूर से मैं जो बोल रहा था ना कि यार पहाड़ है और ऊपर वो चट्टान है या किला है, तो किला है देखिए, यहाँ से गेट है, सीढ़ियाँ हैं, और काफ़ी मतलब पैदल चलना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो घूंघट पहनने का वक्त आ गया है दोस्तों, क्योंकि काले काले बादल छा रहे हैं और कुछ बूंदे पानी की आ भी चुकी हैं। तो घूंघट पहनते हैं और फिर मिलते हैं एक लंबे ब्रेक के बाद। आई डोंट नो कौन सी सिटी है ये, सामने कोई सिटी है, कोई शहर है, मैं भी शायद मालेगांव से होके गुजरने वाले हैं हम लोग।
इट्स अ टाइम टू रिफ्यूल अवर बाइक। और बाबू को भूख लगी है, अभी वेट करते जरा। मेरी बाइक को तो कम भूख लगी है। ये हमारे दोस्त ड्यूक वो ज़्यादा भूखे हो गए आज। अरे उसका तो वो लो फ्यूल आ जाए ला है। ये क्या बोलेंगे मुझे। चलिए थोड़ा आगे पानी दिख रहा है दोस्तों, तो घूंघट भी उड़ा देते हैं और पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। हम फर्स्ट आए। बस 1001 रुपये का शगुन का पेट्रोल आया है। महाराष्ट्र का पहला रिफिलिंग हमारा। साइड लगा रहा हूँ, है ना? नहीं, सीधे जाके चूल्हे पे बैठ जाऊँ, खाना खिला। टेबल पे नहीं, चूल्हे पे। तो पेट्रोल डल गया है दोस्तों, और बारिश भी रुक गई है धोखा देखे। तो हम लोग अब खाना टारगेट है, तो देखते हैं जल्दी किसी होटल वगैरह में रुकने वाले हैं। इसलिए मैंने घूंघट निकाल दिया फिर से। अभी मुझे जिम्मेदारी दी गई है एक अच्छा होटल ढूंढने की। तो यहाँ रुके हैं दोस्तों, रंग महल ढाबा। अब लोकेशन वगैरह तो नहीं बता पाऊँगा कहाँ पे हैं। हमारी मंजिल यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, पर जैसे गाड़ियों को भूख लगी थी, हमें भी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। एक दो तो ऐसे हैं जो शायद बेहोश होने वाले थे। तो बस अब खाना खाएंगे, एक आध घंटे का ब्रेक लगना है, ऑलमोस्ट एक घंटा लग जाएगा। खाना ऑर्डर करेंगे, खाना आएगा, खाना खाएंगे। तो महाराष्ट्र का हमारा पहला लंच, बेहद महंगा, मतलब ठीक था खाना, औसत था, बहुत अच्छा नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। पर हम लोगों को, 8 लोगों को ये खाना 2400 रुपये का पड़ा। तो महाराष्ट्र में अगर खाना खाओ दोस्तों तो थोड़ा सा रेट पूछ लेना पहले। मेरे हिसाब से वो होटल वाले भाई साहब ने खाना तो बहुत प्यार से खिलाया, सब कुछ ठीक था, पर आखिरी में रेट थोड़े मन चाहे ले लिए। तो ये चोट होने की संभावना है भैया, है ना? तो नासिक शहर को बीच में से चीरते हुए जा रहे हैं हम लोग। मतलब ये फ्लाईओवर बन चुका है, आई थिंक पूरे नासिक को क्रॉस करवा देगा हमको। और अभी मैप में सेट कर लिया हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि आज वहीं स्टे करेंगे, दर्शन करेंगे। अगर कैमरा अलाउ होगा तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, ऐसा प्लान है, अब देखते हैं। तो दोस्तों बारिश बहुत तेज आ गई थी, जिसके कारण मैंने अपना कैमरा जो है कवर कर दिया, और फिर कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 3 को हम लोग छोड़ने जा रहे हैं। सभी भाई आ चुके हैं, मतलब वेट कर रहे थे अपने हुकुम का, अब वो आ गया है। तो वो सामने रास्ता है त्र्यंबकेश्वर जाता है जो, तो आज रात को त्र्यंबकेश्वर में हम लोग हाल्ट करने वाले हैं। तो वहीं का हम लोगों ने अभी टारगेट बनाया है, 1 घंटे का रास्ता हो रहा है, तकरीबन बारिश के कारण लेट हो रहे हैं। चलिए चलते हैं त्र्यंबकेश्वर। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, तो हम लोगों ने हमारे GoPro का ऑडियो जैक निकाल दिया है, इसलिए अब शॉर्ट बनेंगे बिना रुके। आगे लग रही है हैवी रेन, मतलब लग रहा है कि आगे बारिश अच्छी आ रही होगी, इसलिए हम लोगों ने जैक को निकाल दिया है, माइक अडैप्टर अंदर रख दिया है। आपके GoPro में पानी जाए हमारी कोनो जवाबदारी नहीं है। GoPro कंपनी दे रही है कि GoPro में पानी नहीं जाए। चल ठीक है, चलो भाई लोग बैठ गए हैं, लघु शंका के लिए रुके थे भाई लोग। हो गया भाई तेरा टंकी खाली, एवरीथिंग इज फाइन, चलो। श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नगरी मध्य आलेल्या भाविकाचे हार्दिक स्वागत, मतलब मराठी में स्वागत हो रहा है हमारा। यहाँ से आगे त्र्यंबकेश्वर है, और हमें अब यहीं कहीं पर होटल देखना है अपने लिए। चलिए पहले रुकते हैं, पता करते हैं, चाय वाय पीते हैं, और उसके बाद में भी होटल सर्च करते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमने क्या ढूंढा है। ओके दोस्तों, तो करीब 4-5 होटल छानने के बाद इस होटल को फाइनल किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक हॉल मिल गया, मतलब 8 के 8 भाई एक ही रूम में। इससे पहले जितनी भी होटल देखी उसमें कहीं पर 3-3 लोग वर्क कर रहे थे, कहीं पर 4-4 रह रहे थे, पर एक जगह रहने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर रूम भी हमें पसंद आया, बहुत स्पेशियस रूम है, और 8 भाई एक ही साथ एक ही रूम में घुस गए हैं। अच्छा होटल है, फिलहाल होटल का नाम तो भूल गया हूँ मैं, जब चेकआउट करेंगे तब आप लोगों को होटल का नाम बता दूंगा मैं। फिलहाल बता दूँ
अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं, लिफ्ट है यहाँ पर, हमारा रूम है इस तरफ और काफ़ी बड़ा हॉल जैसा है ये हमारा। अरे कौन है, क्या है तेरा दरवाज़ा रोकता है मेरा? तो ये हमारा रूम है, चार बेड है यहाँ पर और चार एक्स्ट्रा गद्दे समझ लो नीचे डल गए हैं, और इतना बड़ा रूम है उसके बावजूद हमें जगह कम पड़ रही है, सामान बिखरा हुआ देखिए। तो कुल मिला के रूम ठीक ठाक है, और हाँ शायद दिख जाए तो दिखा देता हूँ, यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बहुत ही शानदार है। अभी उतना मज़ा नहीं आएगा, कल जब सुबह होगी मतलब अगले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को ये नज़ारा दिखाऊंगा मैं, बहुत ही ऑसम है दोस्तों। बताता हूँ, हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा सामान अपन लेके ऊपर आने में, बाइक पार्किंग में लगाने में और सारी चीज़ों में। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, अभी तक सब कुछ मस्त और बढ़िया चल रहा है। अब जाएंगे खाना वाना खाएंगे, चाय पियेंगे और देखते हैं क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो हो जाएगा। पर इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करने जा रहा हूँ मैं, अभी तक बड़वानी से यहाँ तक की हमारी राइड और उसके बीच की मस्तियाँ, बारिश, रोड, सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक तो कर ही देना यार, आपका कुछ नहीं आता है, हमको हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने की। और जो नए भाई इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई बाइकर जैसे सर को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और साथ ही मैं हुकुम भाई, हेलो, ये भी वीडियो डालेगा शायद, शायद नहीं डालूंगा, डालेगा।